हेलो दोस्तों, मैं हूँ भाग्यश्री। आपका माय किचन फूड में स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनाने वाले हैं। ये डिश पंजाबी क्विजीन में बहुत ही फेमस है। ये कढ़ाई पनीर एक सेमी ड्राई करी रेसिपी है जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है और घर में भी बहुत ही ईजी और टेस्टी हम रेस्टोरेंट स्टाइल से बना सकते हैं। तो चलो ये कढ़ाई पनीर कैसे बनती है देखते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करें। अभी तक आपने माय किचन फूड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 225 ग्राम पनीर यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पर होममेड पनीर भी यूज कर सकते हैं। हमें कढ़ाई पनीर के लिए सॉफ्ट पनीर यूज करना होता है और ये पनीर को मैंने फ्रिज में से एक घंटे पहले ही निकाला है। तड़के के लिए हमने यहाँ पे तेज पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च को कट करके लिया है और हम यहाँ पर तेल यूज करेंगे। 2 प्याज और 2 टमाटर को हमने यहाँ पे रफली कट किया है। 1 स्मॉल प्याज और थोड़ी सी शिमला मिर्च को क्यूब साइज में कट किया है। नमक, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, कसूरी मेथी, अदरक और लहसुन और कुछ काजू के पीसेस और हमने यहाँ पे होल गरम मसालों में साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, हरी इलायची, लौंग, मिरी और दालचीनी ली है। तो हम सबसे पहले जो खड़े मसाले हैं उनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। तो हम पैन गर्म करेंगे और ये सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे। फिर इसमें हम 1 चम्मच कसूरी मेथी भी डालेंगे और इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है और हम ये 3-4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। हम इस तरह से फ्रेश वाले मसाले यूज़ करते हैं तो कढ़ाई पनीर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से अभी अच्छे से रोस्ट हुए हैं तो हम थोड़ा सा ठंडा करके इनको मिक्सी में पीस लेंगे। तो हम इस तरह से एक चटनी जार में इनको डाल देंगे और अच्छे से इनकी पाउडर बना लेते हैं। इस तरह के हमने पाउडर बना ली है। तो अब हम मसाला बनाते हैं। तो हम पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे और उसमें रफली कटा हुआ प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें अच्छे से भूनना है। तो ये जल्दी से भूनने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा नमक यूज़ करते हैं और 3-4 मिनट तक हमने प्याज को अच्छे से भून लिया है। फिर इसमें हम टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी हमें अच्छे से भूनना है। टमाटर अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसमें काजू के पीसेस को थोड़ा सा तोड़ के इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा सा हम कवर करके इनको कुक करते हैं। तो 2-3 मिनट में हमारे ये प्याज और टमाटर अच्छे से कुक हुए हैं। तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन को कट करके ऐड करेंगे और इनको हम 2 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। हम ये मसाला बनाते समय पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये कढ़ाई पनीर थोड़ी सी ड्राई होती है इसीलिए हम पानी यहाँ पे बहुत ही कम यूज़ करेंगे। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करके फिर इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। हमारे प्याज और टमाटर थोड़े से ठंडे हो रहे हैं तब तक हम पनीर को कट कर लेते हैं। अभी कढ़ाई पनीर के लिए यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट पनीर यूज़ करना होता है। हम इस तरह से 1 इंच की साइज़ में कट कर लेते हैं। इस तरह से हमने पनीर को कट किया है। अभी प्याज और टमाटर भी ठंडे हुए हैं तो इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। हमें ये पीसते समय पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से हमने ये पीस लिया है। अब हम पैन में 2 चम्मच तेल लेते हैं और इसमें हम प्याज और शिमला मिर्च के क्यूब्स डाल देंगे। यहाँ पर आप अपनी पसंद की कौन सी भी शिमला मिर्च यूज़ कर सकते हैं। हम इनको 2 मिनट तक भून लेते हैं। हमें इनको क्रंची रखना है।
अब ये अच्छे से क्रंची हुए हैं तो हम इनको निकाल देते हैं। और सेम पैन में हम और थोड़ा सा तेल लेते हैं और तेल में हम 2 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च के पीसेस और तेज पत्ता डाल देंगे और इनको अच्छे से भून लेते हैं। और ये अच्छे से भूनने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और ग्रेवी को कलर आने के लिए हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर यूज़ करेंगे। और मसालों को हमें अच्छे से भूनना है, इस तरह से अच्छे से भूनने के बाद हमने जो प्याज और टमाटर की पेस्ट बनाई है वो डाल देंगे। हमने यहाँ पे जो काजू यूज़ किए हैं इसी से हमारे ग्रेवी को थिकनेस आती है। हम मसालों को अच्छे से तेल छूटने तक भूनना है, हमें ये भूनने में 4-5 मिनट लगेंगे। इस तरह से 5 मिनट बाद इसमें से तेल छूटना शुरू हुआ है। अब ये पेस्ट अच्छे से भून गई है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। हमें ये पनीर कुक करने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स कर लेते हैं। आपको थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी होगी तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी की मात्रा यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। फिर इसमें हम स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और हमने पहले बनाया हुआ फ्रेश कढ़ाई मसाला इसमें 1 चम्मच डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फिर इसमें हम पनीर के पीसेस डाल देंगे और प्याज और शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अच्छे से मिक्स होने के बाद हम गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देते हैं और स्लो फ्लेम पे हमें ये कुक करना है। इस तरह से हम 4-5 मिनट तक उनको कुक करते हैं। आपको कढ़ाई पनीर को थोड़ा सा रिच बनाना होगा तो आप यहाँ पर थोड़ा सा डबल क्रीम भी यूज कर सकते हैं। एक कढ़ाई पनीर थोड़ी सी ड्राई होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम रखी है। अभी हमारी कढ़ाई पनीर रेडी है, बहुत ही यम्मी स्मेल आ रहे हैं और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। हम इनको एक सर्विंग वाली कढ़ाई में सर्व करते हैं। हमारी कढ़ाई पनीर अभी रेडी है। आप इनको चपाती, नान, रोटी या राइस के साथ भी परोस सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। आप इनके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर भी गार्निश कर सकते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स करके बताइए। हमारी टेस्टी यम्मी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर बनकर रेडी है।